चुका है दोस्तों, 40 प्लस में ये खेलते और 40 प्लस में दिघोड़े के मैदान के ऊपर इन्होंने 23 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली है। क्या कमाल का खेल इनके माध्यम से भी हुआ है, इनका भी खेल आना जरूरी होता है। जमाने के एक बेहतरीन खिलाड़ी विंदने टीम के माध्यम से कहते हैं, 40 प्लस टीम के माध्यम से। तो फिलहाल मैदान के अंदर ले चलते हैं दोस्तों, अब दूसरे सत्र का पहला मुकाबला, पहली क्वार्टर फाइनल, विनोदपुर गावठान। विनोदपुर गावठान क्रिकेट के लिए शुभकामनाएं आ चुके विराज मड़वी, मनोज मड़वी और उनके सभी साथी, इनके माध्यम से गावठान टीम के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। फिलहाल हमारे साथ दो स्कोरर जुड़ते हुए, एक प्रोफेशनल स्कोरर सुनील जी पटेल मैन फॉर्म गावठान और दूसरे स्कोरर नजर आ रहे हैं हमारे सचिन तांडेल जुड़ते हुए। तो 24 गेंदों का खेल बगैर टाइम पास के साथ 20 मिनट का वक्त, अंपायर टाइम अलर्ट रखे, बहुत वक्त जाया हो चुका है, 2 बज चुके हैं और 2-3 एक्स्ट्रा मुकाबले खेलने हैं। तो इससे पहले देखिए वक्त बचाया अंपायर खुद का, मजा भी आएगा। अंपायर साहब के पास ही रखिए गेंदे, यहां वहां मत उछाले। तो फिलहाल देखिए मैदान के अंदर का ये खेल पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल जैसा, ये मैदान पूरी तरीके से घास और निखरती हुई बल्लेबाजी, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट, ये खेल दिखाते हुए यहाँ पर किशोर गर्ग स्ट्राइक गेंद के ऊपर बगैर विकेट डाले 65 रनों का पीछा करना है। अब विनोदपुर गावठान टीम के सामने मैदान वही है, टीम अलग है, माहौल भी वही है, देखना होगा क्या वही से ही फॉर्म चलेगा, इनका बल्ला चलेगा क्या, क्या यहाँ पर विनोदपुर गावठान टीम के ये गेंदबाज भूषण इनको रोक लेंगे। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, फील्डिंग की व्यूहरचना, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे, दोनों टीम के 12वां प्रतिनिधि बिल्कुल ला चुके हैं। तो धीरे धीरे विनोदपुर गावठान टीम खिलाड़ी इकट्ठा करते हुए, बीच में मौका, फुंडे टीम को भी अगर मौका मिलता ना तो वो भी उनके टीम के स्टार खिलाड़ी लाते, लेकिन फिलहाल मैदान के अंदर 2 स्टार है, कड़कती धूप में अपने देखिए चमक छोड़ रहे हैं, छाप छोड़ रहे हैं बल्लेबाज किशोर गर्ग, स्ट्राइक एंड के ऊपर 49 रनों की नाबाद पारी खेलने वाली बल्लेबाज भूषण। पहली गेंद सम्मान दिया, एक अच्छी गेंद को सम्मान बरतना एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है, पहला यहाँ पर रनों का श्री गणेशा किया खुद का और टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ा दिया, यानी कि 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 0 रन के विकेट के पतन के बाद। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर आ चुके राकेश गरत, हर एक खिलाड़ी को कप्तानी करने का मौका दिया जाता है जीपी क्लब फुंडे, 2 साल पहले राकेश म्हात्रे जीपी क्लब फुंडे टीम के कप्तानी तौर पर काम करते थे, लेकिन इस समय में मेन खिलाड़ी, ये देखिए बाहरी किनारा, दूसरी गेंद के ऊपर राकेश म्हात्रे बैक टू द पवेलियन, पहला सदमा लगता हुआ यहां पर जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम को। क्या कमाल की डिलीवरी डाली थी, बिल्कुल बांध कर रखा था कि यहाँ पर भूषण ने पहले मुकाबले में उन्होंने देखा था किस एंगल के साथ गेंदबाजी करते, वो ज्यादा गेंद को बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच करने की कोशिश, तो थोड़ी से यहाँ पर गेंद को थोड़ा सा बाहर रखा उन्होंने, आउटसाइड ऑफ स्टंप टप्पा दिया जरूर दिया और वहां पर राकेश म्हात्रे से बड़े खिलाड़ी को फंसाया, वो भी चकमा खाए पूरी तरीके से, हट्टे कट्टे बड़े लैंग्वेज के ये खिलाड़ी थे उनको बांध कर रखा। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका, 1 रन के ऊपर 1 विकेट बन चुका है जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम का, ये टोटल नजर आ रहा है। यहां से किशोर गर्ग अगर पूरे आखिरी 4 ओवर से टिके रहे तो और एक अर्धशतक ये पारी इनके माध्यम से देखने के लिए मिल सकती है, उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन विनोदपुर गावठान टीम हार मानने वाले नहीं है, पूरी तरीके से गेंदबाजी में एक अस्त्र लेकर आ चुके हैं भूषण। राइट हैंड ओवर द विकेट, बिल्कुल गति का इस्तेमाल किया अंपायर ने, कहा ये ज्यादा बाहर है अंपायर, यहां पर राजेंद्र गरत सर का इशारा, वाइड बॉल की मिलती हुई एक सिंगल और सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुके हैं विश्वनाथ, ये देखिए उसी एंगल के साथ अब थोड़ी से अंदर लाते हुए गेंद कट हो रही है, तो किशोर गरत भी नाराज है स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज विश्वनाथ से,
दो गेंदे यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एक पहली वाइट बॉल और दूसरी गेंद खेली, वो भी उनको कनेक्ट नहीं कर पाए, नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति। आप निकाला, वाह व्हाट फंटास्टिक स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर को छी दीप गेंद गई, कोली गिरफ्तार से पूरी तरीके से गेंद को अंदर आने दिया, वेट एंड वॉच वाला स्ट्रोक। चार रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अब इनके बल्ले को गेंद लग चुकी है, अब देखना होगा विश्वनाथ, इन्होंने पहली गेंद डॉट खेली लेकिन अपने खाते की शुरुआत देखिए 4 रन के साथ शार्क के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम के माध्यम से ये यहां पर आ चुके सत्यम भोईर थे कहा, और एक पटकी भी गेंद यहां से देखिए चूके बल्लेबाज चूके और ये डॉट गेंद जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम की दृष्टिकोण से आपको समस्या पैदा कर सकती है, यहां पर कुशे और घरज जैसे बल्लेबाज के ऊपर ये दबाव डाल सकती है क्योंकि ये स्टार खिलाड़ी। इस ओवर की अंतिम गेंद फुल टॉस गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए और ओवर की वही समाप्ति, पहली ओवर के समाप्ति के बाद जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम का टोटल 6 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। देखिए किशोर घरत अगर स्ट्राइक में खेलते ये 6 गेंदों में से 10-15 रन आराम से इन्होंने एक निकालते, लेकिन इस बल्लेबाज ने देखिए हर गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश। हम हरदम कहते हैं अगर रोड पर ट्रैफिक हो, गाड़ी की भीड़ हो, तो आपके पास अगर बाइक हो ना तो गली गली से निकाले, वैसे ही क्रिकेट में भी सिंगल डबल से कन्वर्ट करें क्योंकि एक स्टार खिलाड़ी को स्ट्राइक में लाइए देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि स्टार खिलाड़ी के सामने गेंदबाज गेंदबाजी करने से थोड़े से डरते हैं, कारण यही है लगातार फॉर्म कंटिन्यूटी खेल, और इसी के कारण किशोर गरज जैसा बड़ा खिलाड़ी दुबई कतार में भी खेल कर आया है। बेहतरीन खेल इनके पास है, क्लास लेदर क्रिकेट में भी है, तारीफ जितनी करें उतने ही कम रहेगी इनकी। गेंदबाजी का दूसरा परिवर्तन आप आ चुके गेंदबाजी के लिए आकाश टकले, टीम के एक मेन जेन्युइन खिलाड़ी माने जाते हैं विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम के। इस समय में स्ट्राइक एड के ऊपर जितनी देरी तक किशोर गरज मैदान के अंदर रहेंगे मुकाबला एक टीम से खेलने वाले ये दो खिलाड़ी है आकाश टकले और किशोर गरज, लेकिन देखना होगा। ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, बल्ले का फेस जरूर खोला था, लाइन को थोड़ा सा बदला था, 2 मीटर के अंदर की गेंद डाली थी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से शांत रखा। अब देख रहे हैं यहां पर किशोर गरज, मैंने कहा ये एक जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करे, कारण यही है पहले ओवर में 6 रन आए थे, रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे। देखिए यहां पर शांत दिमाग संयम के साथ 4 ओवर ये खेलना जरूरी होगा इस मैदान के अंदर। ओ बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन गलती शायद की, अंपायर का इशारा आना जरूरी होगा, अंपायर का इशारा लेग 22 का और मिलती भी ये सिंगल, सिंगल के साथ टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ 7 रन। विश्वनाथ ने 4 रन तो बनाए लेकिन 3 गेंदों जो 3 गेंदे है वो डॉट खेली है उनके माध्यम से, टीम का टोटल 7 रन। जीपी का फुंडे कड़कती धूप है, एनर्जी ड्रिंक्स पिए, थोड़ी खुद की पावर जनरेट करें, खुद की जितनी पावर जनरेट रहेगी मदद मिल सकती है। ये देखिए लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम के लिए दिक्कतें समस्या बढ़ा सकती है। विश्वनाथ यहां से डॉट गेंद खेलते हुए नजर आ रहे हैं, टीम में यहां पर कुणाल घरत की कमी के कारण देखिए यहां से पहला मुकाबला जीता जरूर है लेकिन दूसरे मुकाबले में देखिए किस तरीके से डगमगाती हुई पारी खेलते हुए जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम। गति में विश्राम, फील्डर तैनात है, करण मड़ भी छोड़ेंगे नहीं, विश्वनाथ को किया चलता और यहां से एक और जीपी क्लब फुंडे क्रिकेट टीम के उम्मीदों को दूसरा झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए हमारे हमदाम गणेश टाइकेड के ऊपर। अब देखना होगा, गणेश एक बड़े बड़े हार्ड हिटर माने जाते हैं इस टीम के एक मेन खिलाड़ी, लंबे लंबे छक्के लगाने का कारनामा इन्होंने कई मर्तबा कई मैदानों पर किया है। इस समय में जरूरत है सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन की। फिलहाल आकाश टकले क्या कसावट भरी गेंदबाजी करते हुए
बाहरी सिरा लगा, एक और विकेट और एक और सदमा यहां पर नौशरा गेंद के ऊपर। किशोर गरत नाराज हताश यहां पर देख रहे हैं कौन सा ऐसा बल्लेबाज आएगा जो स्ट्राइक रोटेशन का काम करेगा। एक और सदमा बिल्कुल एक स्टार, बिल्कुल आपने देखा होगा अग्री कोहली कराड़ी इंसानों का एक ताकतवर और स्टार किंग, बिल्कुल युवक और युवतियों के लिए काफी बढ़िया फॉर्म जिनके माध्यम से यूट्यूब पर अपने इनका गाना मंदा भाई शिकलेली नवती का एक गाना पेश किया वो गिरीश म्हात्रे आइए जिनको प्यार से गिर कहा जाता है आपका स्वागत रहेगा। खोपरोली की अनबाज शान फुल टॉस गेंद आखिरी गेंद थी इस बार कनेक्ट नहीं सही तरीके से कर पाए। सिंगल मिलता हुआ और सिंगल के साथ दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बन चुके हैं। दो ही रन खर्च किए आकाश टकले ने और 2 विकेट अपने नाम पर करते हुए पहली ओवर में अगर बात करेंगे 6 रन दिए थे लेकिन इस ओवर में कमाल की कसावट भरी। 12 गेंदों में देखिए किशोर गरत को मिले हुए वो 3 ही गेंद, 3 गेंदों में उन्होंने 2 ही रन बनाए यानी कि मेरे अंदाज से 12 में से इनको 8 से 9 गेंदे खेलने के लिए मिलने चाहिए थी तो मेरे अंदाज से 25-30 रन भी बनाने की इनकी में एक क्षमता थी। लेकिन स्ट्राइक रोटेशन ये बड़ा मैंने कहा था अहमियत भरा होता है क्रिकेट में, ये करके नहीं दिखाया इन खिलाड़ियों ने उसी के माध्यम से टोटल कम नजर आ रहा है। अब गेंदबाजी का बदलाव होता हुआ आ चुका है यहाँ पर सुनील टकले ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल। प्रथमेश म्हात्रे की कमी पिंटिया वहां पर ये देखिए अंदर लाते हुए गेंद को बिल्कुल बाया हाथ से गेंद को घुमाव पैदा किया था और इसी के साथ एक सिंगल तो आ चुके हैं यहाँ पर एक स्टार बिल्कुल आ चुके हैं। कोपरोली की आनबान शान और आखिरी कोहली कराड़ी लोगों की आनबान शान गिरीश म्हात्रे आ चुके गिर आपका स्वागत रहेगा। तहे दिल से स्वागत हमारे आयोजकर्ता मारवी स्पोर्ट के सभी आयोजकर्ता आपका ढेर सारी शुभकामनाएं देकर स्वागत करेंगे। गेंदबाजी के लिए आ चुके गेंदबाज फिर से एक बार सुनील टकले किशोर गरत इस बार बाहरी सिरा लगा बाल बाल बचे यहां से मिस टाइमिंग स्ट्रोक था सिंगल ही मिलता हुआ और सिंगल के साथ टीम का टोटल लेग से आगे बढ़ता हुआ 10 रन यहां से एक्सेलरेट करना होगा। अब किशोर गरत मैंने कहा था ये जोखिम भरे स्ट्रोक खेल रहे बिल्कुल रविंद्र जी कड़ू इनके शुभहातों से हमारे आखिरी कोहली कराड़ो की आनबान शान गिरीश म्हात्रे का स्वागत किया जाएगा यानी कि जिनको प्यार से गिर कहा जाता है आज बन ठन के बिल्कुल चिकने बनकर आ चुके हैं उनका स्वागत। गिरीश म्हात्रे और कोपरोली गांव का एक जबरदस्त हीरा चमकता हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको ज्यादा जाए उनकी फैन फॉलोइंग से उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर टिकटॉक पर या यूट्यूब पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की पाने वाले गिरीश म्हात्रे सर आ चुके उनका स्वागत। 4 गेंदे इस ओवर की हो चुकी है 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तो स्वागत रहेगा। एचएम लाइव के माध्यम से इनको कवरअप किया जा रहा है आखिरी कोहली कराड़ो की आन बान शान जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें दोस्तों। एक बड़ा स्टार आ चुका है हमारे मंच के ऊपर तो उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है बिल्कुल जोरों शोरों से आप आए चार चांद हमारे मंच को लगाई। गिरीश सर आपका फिर से एक बार हम स्वागत। आखिरी गेंद इस ओवर की क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए विनोद स्पोर्ट गावठान टीम 20 में मिला हुआ वो थोड़ा सा समय आराम करने के लिए उसका बेनिफिट मिलता था। तीसरी ओवर स्ट्राइक एंड के ऊपर अब आ चुके हैं किशोर गरत जिनका बल्ला बोलना जरूरी था। ओहो ये दबाव खुद से नाराज है हताश होते हुए बैक टू बैक 3 गेंदे इन्होंने डॉट खेली है तो पहले मुकाबले जिनका खेल टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन 11 लॉस ऑफ 3 विकेट्स रिग्रेस 4 ओवर। अब देखना होगा आखिरी ओवर में क्या करते हैं किशोर गरत को आक्रमण करना होगा विशाल को दोनों तरफ से आक्रमण 20 रन आएंगे तभी आप डिफेंस कर सकते हैं देखना होगा
35 रनों का आंकड़ा अगर छूती है, इसके बाद देखिए आरपी जस्कार और शिव शंभो खोपटे क्रिकेट टीम, आरपी जस्कार क्रिकेट टीम के कप्तान और शिव शंभो खोपटे क्रिकेट टीम के कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। यह आखिरी पहला और आखिरी पुकार रहेगा आपके लिए दोनों टीम। शिव शंभो खोपटे क्रिकेट टीम के कप्तान वैभव और आरपी जस्कार क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन ठाकुर बगैर टाइम पास के साथ टॉस करने के लिए आइए। तो आखिरी ओवर देखना होगा, 11-18 गेंदों में सिर्फ 11 रन उठा जमा पाई जो कम से कम नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर किशोर घरत नजर आए और दबाव बनाया उस किसी भी बल्लेबाज ने, देखिए ज्यादा साफ यहां पर साथ नहीं निभाया मैदान के अंदर। जहां पर अगर बात करेंगे कुणाल घरत की कमी, प्रथमेश मात्रे की कमी, साईराज जैसे एक स्टार खिलाड़ी की कमी, उसके बाद योगेश की कमी नजर आ रही है, ये कमी खल रही है इस टीम को। जीपी का क्लब फुंडे क्रिकेट टीम की अगर बात करें, नाइट टूर्नामेंट में लगातार बैक टू बैक पहले नंबर को छुआ, मोटीजोई नाइट टूर्नामेंट में सबसे ताकतवर वो खिलाड़ी और प्रथमेश मात्रे मैन ऑफ द सीरीज बने। उसके बाद पागोटे की नाइट टूर्नामेंट में अभी दो दिन पहले हुई, उसमें भी पहले नंबर, यानी कि दोनों मैदान के ऊपर एक एक लाख की धनराशि जीतने वाली ये खिलाड़ी। हवा में गेंद, क्या मिस टाइमिंग हुआ, यहां से एक ही रन मिलता बा, एक रन का बेनिफिट मिलता बा, सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता बा, अब पहुंचता बा 12 रन। गेंदबाजी के लिए आ चुके अंकुश टकले जिन्हें पहले मुकाबले कमाल, बिल्कुल थर्ड अंपायर की मांग की जा चुकी है, तीसरे अंपायर अब मैदान के अंदर, जो डिसीजन होगा वो जारी रहेगा। अगर इस श्रृंखला से कोई भी गेंदबाज बाहर होते तो बिल्कुल 4 रन दिए जाएंगे नो बॉल के, और एक नो बॉल की एक रन, यानी कि जो टोटल 5, और जिस गेंद उस गेंद के ऊपर जितने नंबर आएंगे 5-6 हो, 4 हो, 2-1 या 0, उतने रन काउंट किए जाएगा और उस श्रृंखला से वो गेंदबाज बाहर। यानी कि 5-5 छोड़कर एक्स्ट्रा स्वरूप में जितने उस गेंद के ऊपर आएंगे और फ्री हिट भी मिलेगा, ये ध्यान में रखो। इसीलिए यानी कि 11 रन भी इकट्ठा हो सकती है एक गेंद के ऊपर, ये बेनिफिट अब क्रिकेट में डेवलपमेंट आ चुका है। तो इस बार स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज किशोर गरज जिनका हम जिक्र कर रहे थे, पहले गेंद और ये पूरा गुस्सा था इस गेंद के ऊपर, इनके बल्ले से गेंद चुम नहीं रही थी तो इन्होंने पूरी तरीके से पावर जनरेट की और यहां से ऑन द राइज आकर गेंद को निकाल दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। धन्यवाद। इसके बाद देखिए आरपी स्पोर्ट्स, आरपी क्लब जस्कार और शिव शंभो खोपटे आइए तुरंत टॉस करने के लिए। एक और सिक्स रन। धन्यवाद। खोपटे टीम के पैकर्स राहुल पाटिल जी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत रहेगा। फिलहाल तो लगातार दो स्कोरिंग शॉट आने के बाद देखिए टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन अचानक से उछाल लेता हुआ, लेकिन विनोद स्पोर्ट गावठान क्रिकेट टीम भूलना नहीं चाहिए, अगर 35 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए ना तो फिर आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि उनके पास अब गेंदबाज आ चुका है सत्यम भोईर, स्टार गेंदबाज है उनका, अब इनके पास गेंदबाजों की कमी नहीं है, इनको बचाने की भी क्षमता इनमें है। 24 रन तो आ चुके तो फिलहाल अभी तक इस ओवर की 3 गेंदे बाकी है। एक और बड़ा स्ट्रोक यहां पर मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन तो पूरी, ये किया क्या वहां पर खिलाड़ी ने, मौका दिया फिर से एक बार किशोर गरत को स्ट्राइक में जाने का, टीम का टोटल 2 से आगे बढ़ता हुआ 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 गेंदे बाकी है। किशोर गरत पूरी तरीके से पावर जनरेट कर रहे, ताकत झोंक रहे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक रहा था फिर भी देखिए, ये भी देखिए, सेंड एंड डिलीवर परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट,
गेंदों का बाउंड लाइन के बाहर हम पास से बातें करते हुए गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद। देखिए पंडित सर यहाँ पर किशोर गर्ग की बात करें, इन 4 गेंद में उन्होंने 20 रन इकट्ठा किए। ये एक क्षमता है बड़े खिलाड़ी की। आकी हुआ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन इस ओवर में इकट्ठा किए, 27 रन। जोरदार तालियां होनी चाहिए फुंडे क्रिकेट टीम के माध्यम से। किशोर गर्ग जैसा लेजेंड खिलाड़ी आखिरी दम तक सांस लेकर खेल रहे थे मैदान के अंदर। दबाव था, दबाव हटाते कैसे इसका जीता जागता उदाहरण किशोर गर्ग। ये ब्रांडेड लेजेंड खिलाड़ी, क्या कमाल की पारी। टीम का टोटल बने 38 रन बने और 39 रनों का आप 35 से ज्यादा रन बन चुके हैं। ध्यान में रखना होगा इस समय में, देखना होगा अब यहां से रनों की रफ्तार को तेज करने के लिए 9.90 की रिक्वायरमेंट रेट से, यानी कि अगर बात करेंगे तो फिलहाल 10 का ही स्ट्राइक रेट पकड़ के चलिए पंडित सर। यहां से अब सत्यम बोयर आ चुके हैं। सत्यम बोयर एक फ्रेश गेंदबाज, पूरी तरीके से अच्छी नींद लेकर आ चुके, बिल्कुल सुबह 9 बजे सोने के बावजूद भी मैदान के अंदर आ चुके। तो फिलहाल देखना होगा, विशाल ने भी अच्छा साथ, साईराज भी आ चुके, अब इनको भी नींद से उठाकर लाया है। फुंडे वाले भी अब कमाल कर रहे हैं, वाह भाई वाह, क्योंकि उनका लकी कमेंटेटर हमारे पास है नितिन जी पंडित सर, जहां जहां वो होते फाइनल उन्होंने हासिल की है। देखना होगा, लेकिन अंपायर की बात करें प्रशांत जी माड़ी सर भी उनके लिए लकी है, ऐसे वो भी कहते हैं। तो फिलहाल ये 3 अंपायर बीच में चर्चा कर रहे हैं। अंपायर 20 मिनट का वक्त, 24 गेंदों में 39 रनों का पीछा करना है। इस अगला मुकाबला देखिए आखिरी पुकार रहेगा। आरपी क्लब जसकार बनाम शिव शंभो खोपटे क्रिकेट टीम, देखिए अगर एक भी टीम आती है और दूसरी टीम नहीं तो पैनलाइज किया जाएगा दूसरे टीम को। आयोजकर्ताओं से सूचना आ चुकी है। गिरीश जी म्हात्रे सर यहाँ पर सबसे भेंट लेते हुए सागर भरलाय गो मंदाबाई शिकलेली नवती का लिंबू कापला रसगळू लागला, ऐसे कुछ गाने जिनके फेमस हुए यूट्यूब टिकटॉक, उसके बाद देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग हमारे उरन की आन बान शान पूरे रायगढ़ से ज्यादा फेमस हो चुकी है, पूरे भारत में भी फेमस हो जाए, पूरे जग विश्व में फेमस हो जाए, यही शुभकामनाएं हम करेंगे भगवान से। और ऐसा ही काम करते रहे और फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ाइए। बिल्कुल प्यार की चर्चा उन्होंने भी की है, पूरी तो प्रेम मजा वो करते, ये कुछ गाने इन्होंने भी ये फेमस किए। कोपरोली की अनबाज शान खोपटे टीम के कप्तान आ चुके, वैभव आपका भी स्वागत रहेगा। तो फिलहाल आरपी क्लब जसकार क्रिकेट टीम के कप्तान, देखिए सामने वाले टीम आ चुकी है, तो आपके भी कप्तान नहीं तो फिर वक्त जाने के बाद पैनलाइज किया जाएगा, ये ध्यान में रखो। तो फिलहाल अब देखना होगा 39 रनों का पीछा करना है 24 गेंदों में। और अगला आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से एक बार हमारे उरन समालोचक एसोसिएशन के एक जबरदस्त सीनियर कमेंटेटर, जिनकी कमेंट्री से हम सीखे, प्रेरणा इनसे ही मिली हमें, मराठी हिंदी और अंग्रेजी में बेहतरीन कमेंटेटर्स। अभी अभी हाल ही में एक वीडियो उनके फेमस हुए पूरी रायगढ़ के ऊपर, जिनकी वीडियो आपने देखी होगी नीलेश पाजी, और इनकी जो अंग्रेजी की जो वीडियो आई थी इनकी थी इसी ग्राउंड के ऊपर। अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से एक बार माइक्रोफोन पर मराठी का एक मीठा आवाज आपको सुनने के लिए मिलेगा। नवनाथ जी म्हात्रे सर, मैन फ्रॉम उरन कोपरोली। थैंक यू अर्धदत्त गणेश गावण सर, तर तमाम क्रिकेट रसिकांचा पुन्हा स्वागत। तर घेऊन जातो मैदानात जिथे आपण सामना मित्रांनो अनुभवतो, अर्थातच जीपी फुंडे विपक्ष विनोदपूर गावठाण यांच्या दरम्यान एक कडवं आव्हान अर्थातच असणार आहे। 4 षटकामध्ये 40 धावांचं आव्हान,
ओके चार षटका मध्ये 39 धावांचं आव्हान असणार आहे प्रत्येक षटकाच्या पाठीमागे जवळजवळ 10 धावांची आवश्यकता आहे परंतु हे आव्हान कशा प्रकारे विदर्भ स्पोर्ट गावठाण पुढे या ठिकाणी समोरून काढेल हे याचं चालतं होतं विवेचन मी नवनाथ मात्र आपल्या समोर सादर करतोय तर जातोय मैदानामध्ये जिथे गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज येतात दिसतोय फुंडे संघाचा गोलंदाज अर्थातच किशोर घरात की ज्यानं खेळताना चांगला परफॉर्मन्स केला पहिल्या सामन्यामध्ये 49 धावा आणि आतापर्यंत दुसऱ्या सामन्यामध्ये 28 धावा मग जवळजवळ या ठिकाणी विचार केला 77 धावा स्वतःच्या नावावर आतापर्यंत झाल्यात जणू करून ही माहिती मी काहून पोहोचवतो आपल्याकडे कारण या ठिकाणी सामन्यासाठी असणारी ही बाईक पहिला चेंडू यावेळेस दाखवून दिला येस टीट फॉर टॅट जसा तसं उत्तर देतोय की काय आणि जर पहिला चेंडू यावेळेस मात्र अर्थातच पंच इशारा करतात हा सन जरी झन जरी आर पार षटकार डी जे येस प्रश्नाचं उत्तर कसं द्यावं हे फलंदाजाकडे शिकावं कारण जसं प्रश्न आहे तसं उत्तर दिलं पाहिजे टीट फॉर टॅट जसा तसं प्रतिउत्तर देताना दिसतोय फलंदाज डावखुरा पुन्हा यावेळेस मात्र किशोर दाखवून देतोय एक डाव तुझा तर दुसरा डाव माझा यावेळेस मात्र गोलंदाज की फलंदाज फुंडे की गावठाण ह्या मैदानावर कारण पहिला चेंडू जरी षटकार आला असला तरी दुसरा चेंडू दाखवून दिलाय गोलंदाजानं अर्थातच या ठिकाणी कमबॅक केलाय आणि असं कमबॅक करावं लागेल किशोरला स्वतःसाठी संघासाठी अर्थात ही शृंखला अर्थातच आपला सन्मानाची शृंखला आहे अर्थात श्री सुधीर गरज सामाजिक संस्था व मारवी स्पोर्ट जेएनपीटी आयोजित मारवी चषक 2020 आतापर्यंत विचार केला या ठिकाण तर एकूण धाव संख्या फलकाव झाल्या स्कोर आमचे सांगतात सचिन आतापर्यंत 6 धावा आमच्या समोर सुनील पाटील आमच्या उरण समाज असोसिएशनचे एक गुणवान लेखक या ठिकाणी अर्थात त्या ठिकाणी आम्हाला जोडलेत आमचे सचिन सर सर देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत सचिन तांडेल दोन आर्थिक दहाव्या आणि उजव्या बाजूला माझे समालोचक अर्थात लेखनिक आहेत त्यांचं हार्दिक स्वागत किशोर गोलंदाजी मार्गवर हो यावेळेस मात्र सन्मान केलाय सन्मानाने खेळला परंतु या ठिकाणी पाहायला गेलाय राकेश चेंडूला उचलेल फेकेल तोपर्यंत अर्थातच दोन धावा एक धाव पळून काढली एकूण धाव संख्या फलकावर अर्थातच 7 धावा 39 धावांचं मी म्हणेल कुठंतरी एक समर्पक आव्हान आहे परंतु इथून विचार केला तर एवढं सोपं नसणार हे आव्हान कारण असणारी आर्थिक कडवी गोलंदाजी फुंडे संघाची परंतु हे कठीण देखील नाहीये कारण त्यांच्याकडे विनोद स्पोर्ट गावठाण संघ म्हणला तर विशेष करून ह्या गावठाण संघाला मोठा पाठिंबा आणि मोठा संघ आहे शॉर्ट चेंडू अँड शॉर्ट चेंडू इज इक्वल टू मॅक्झिमम द यूज अँड ट्रिमेंडर येस कम ऑन डीजे द ड्यूर यूज डीजे यावेळेस याच गोलंदाजाला अर्थातच उष्ण कसं फेडावं याचं ताजं उत्तर कारण या षटकामध्ये 27 धावा मारल्या होत्या आणि हे कुठं रिव्हेंज क्रिकेट म्हटलं फक्त ओनली फॉर ओनली द क्रिकेट क्रिकेटच्या मैदानावरच आहे क्रिकेटच्या बाहेर नाही क्रिकेटच्या बाहेर मी नेहमी सांगतो आपण मित्र आहोत आपण भाऊ आहोत गोलंदाज पुन्हा येतात ये चेंडू आर पार षटकार डीजे येस दोन षटकार आता मात्र किशोरला कुठेतरी थोडं संभ्रमात ठेवलं असेल कारण तू मला मारू शकतोस मी देखील तुला मारू शकतोय असं प्रत्युत्तर प्रश्नाचं उत्तर कसं असावं तर ते असं असावं टीट फॉर टॅट जसाच तस खून का बदला पाशी असं म्हटलं जातं यावेळेस मात्र काय या ठिकाणी तिसरा षटकार आणेल का षटकारांची हॅट्रिक होईल का असा यक्ष प्रश्न तुम्हा आम्हाला पडला आहे प्रेक्षकांवर चर्चा आहे खोपटे संघाचा संघ या ठिकाणी उपस्थित वैभव पाटील सर उपस्थित तर विनंती असेल अर्थातच आर पी जस्कार संघाचा संघ नाही या आपला जरूर या ठिकाणी प्रतीक्षा होते कारण आमचे या ठिकाणी वैभव पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय जातोय मैदानामध्ये एकूण धावसंख्या फलकावर 19 धावा असं उष्ण कसं फेडावं या ठिकाणी किशोरला हो परंतु हा चेंडू यावेळेस मात्र पाहायला गेला फ्लाईट डिलिव्हरी केली होती थोडीशी
कारण ही याच्यामध्ये एक धाव आली आहे आणि एकंदर संघाचे एकूण धाव संख्या झाल्या त्या 20 धावा 20 येस 20 रन्स कम ऑन द स्कोर बोर्ड विदाउट लॉस कॉज ऑफ देर इज अ टार्गेट इन फ्रंट ऑफ द गावटन स्टीप 39 अँड मेड इट आउट ऑफ द 39 ही मेड अ 20 रन्स इट्स मीन दॅट अटेंडर्स रिमिंग अँड दे हॅव रिक्वायर्ड एट नाव 92 विन येस 18 चेंडू 19 धावा ही गणित असणार आहे ही गणित तुम्हाला सोडवावं लागेल कारण क्रिकेटच्या मैदानावर बरीचशी गणित येतात कधी कधी प्रत्येक गणित बदलतात ती आपल्याला सोडवावं लागतात 18 चेंडू 19 धावा सोपं गणित आहे कारण हे गणित जरी सोपं असलं तर क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर आणि क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये हे गणित प्रत्येक गणित हे नक्कीच आपल्याला सोडवावं लागेल सत्यम भोईर यावेळेस पाहायचा नक्की चांगला गोलंदाज आता मात्र या गोलंदाजाला कुठं ते खरं पहिल्या ओपनिंग गोलंदाज थोडासा मोठ्या प्रमाणात मार खाळल्यानंतर ती जी कॉन्फिडन्स असतो सुनील सर तो कमी होत असतो परंतु या ठिकाणी सत्यमला डोंट लूज युअर कॉन्फिडन्स येस बी अहेड तुला ते करावं लागेल यावेळेस पाहायचं आहे सत्यमला नक्की संधी आहे परंतु या ठिकाणी पाहिला एक तर धाव मिळाली आहे दुसरा तर प्रयत्न मुळातच नसेल चेंडू फील्ड केला तोपर्यंत एक सिंगल धावली सिंगल धावून संघाची एकूण धाव संख्या फलकावर झाल्या तेव्हा 21 धावा बिनबाद 21 मागाची देखील बिनबाद खऱ्या 65 धावा काढल्या होत्या या जोडीनं राकेश म्हात्रे आणि आता किशोर घरतनं परंतु त्याला तो संघ वेगळा आहे सध्याचा संघ वेगळा आहे परिस्थिती वेगळी आहे आणि आता तो बोलणारा वेगळा आहे कोणी पाहायचं आहे या ठिकाणी पहिला गोलंदाज काय होणार आहे सत्यमला नक्कीच एका दुसरा विकेट या चेंडूवर नक्कीच या षटकामध्ये काढावे लागतील इथून जर विकेट्स घेतला तर थोडासा कॉन्फिडन्स वाढू शकेल गोलंदाजाचा फुंडे संघाचा पूर्ण डावखुरा फलंदाज आता करण मडवी अप्रतिम फलंदाज आहे ओ यस परंतु बट इट इज अ ह्यूज वन्स मोर दॅट्स अ बिग हेड यस टुडे डोंट वेस्ट टाइम यस कम ऑन इज ए थँक्यू भारत दादा या जरूर या जस्करवाली या प्लीज कारण सामना थोडं जवळजवळ जवळ क्लोज होत आहे पण एकूण धाव संख्या फलकावर झाल्या त्या म्हणजे 28 येस सर आपण आलात पण येऊ नका नक्की नाणेफेक करून घ्या आमले खुपटे संघाचे संघटने उपस्थित आहेत जरूर या आयोजकांना विनंती असेल आपण नाणेफेक करून घ्या 15 चेंडूने 11 धावांची गरज येस याच्यानंतरचं बिग फाईट आपण पाहू शकाल खूप ते विपक्ष जसकार कारण एका बाजूला खऱ्या अर्थाना या माडल विभागात नामांकित संघ कारण ज्या संघाला मोठा इतिहास आहे अर्पी जसकार अर्थात रत्नेश्वरी प्रसन्न जसकार हे जुनं नाव आहे जुनं ते सोनं आणि ते चमकतं भावनकरशी वाणं असं म्हटलं जातं जरी आज भारत आणि सर्व कंपनी आज या संघामध्ये खेळत असली तरी ह्या संघाला मोठा इतिहास आहे कारण जवळजवळ या हे आरपी जसकार मी लहानपणे असताना हा नाव ऐकलेलं आहे आणि त्या संघाची एकूण धावसंख्या फलकावरती 32 धावा फक्त जवळजवळ 7 धावांची गरज 13 चेंडू आणि 7 धावांची गरज सामन्यामध्ये कुठेतरी वर्चस्व प्राप्त करताना दिसतो गावठाण संघाचे संघ खेळाडू विशेष करून या ठिकाणी सुनील आणि अर्थातच करण मडवी अंकुश टकले आणि करण मडवी येस पुन्हा चेंडू जाईल चेंडू गेलाय संघाच्या एकूण धाव संख्या फलकावर झाल्या त्या म्हणजे 36 धावा येस खोपटे संघाने नाणेफेक जिंकली अपेक्षा नक्की झाल लवकर लवकर आपण निर्णय कळवा येस खोपटे संघाचे सर्व खेळाडू या ठिकाणी या 11 खेळाडू 12 चेंडू आणि 3 धावांची गरज येस 3 रन्स रिक्वायर्ड इन लास्ट 2 ओव्हर्स इट्स बीन दॅट लास्ट फॉर 12 डिलिव्हरीज रिमेनिंग 12 चेंडू शिल्लक असणार आहेत आणि येथून जर विचार केला तर मी तुम्ही या ठिकाणी सामन्यामध्ये कुठेतरी एकतर्फी सामना चुकताना दिसतोय सामन्यामध्ये एकतर्फी नसावा येस सर जसकर मधील अमित ठाकूर आपल्याला विनंती असेल प्लीज आपण अतिथी कक्षामध्ये आसनस्थ व्हायचं आहे अमितजी ठाकूर येस अमित सर या ठिकाणी कुठे असताना आपण या आपली प्रतीक्षा होत आहे परंतु यावेळेस मात्र कदाचित येस हा चेंडू कदाचित जाईल का परंतु नाही या ठिकाणी एक नव्हे एकच सिंगल दबाली आहे सिंगल संघाचे एकूण धाव संख्या फडकाव दिसत अर्थात या ठिकाणी 37 धावा 11 चेंडू आणि फक्त न फक्त केवळ 2 धावा येस येस सचिन अर्थात यावेळेस पाहिजे लागेल 11 चेंडू आणि 2 धावा या ठिकाणी आमची जसकार गावचे सचिन अर्थात रेड टी शर्ट आणि ब्लॅक ट्रॅक परिधान केलेले विशेष करून या ठिकाणी एक सिंगल धावली आहे कारण लेग बाईस फक्त एका धावसंख्याची गरज आहे स्कोर इज लेवल हियर
So only one run required to win. For the second big victory was Gavdevi Gavthan. Yes. Yes, Sunil Pati. Yes, that's huge, then tremendous. That's the big one. And sir. Yes, Yadigani Paila Gela, Gavthan Sangana, Yadigani Sundar Jaya, Vijay Sampadan Gela. Yes, come to the point, Arthur Zawiya, Pandit Sarangada. धन्यवाद. या दरम्यान अतिथी कक्षाकडे वाटचाल करताना दिसतायत उरण शहराचे नेतृत्व काँग्रेस साहेब पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय किरीट पाटील यांचं आगमन इथं होताना दिसतोय. अबाव 40 मध्ये खेळणाऱ्या लेदर क्रिकेट मध्ये ज्यांचं क्रिकेट पाहिलं, क्रिकेट मधून बोकडवीराला खेळताना अनेक वर्ष ज्यांनी एक क्रिकेटचं एक चांगलंसं योगदान दिलं ते किरीट पाटील. राजकीय क्षेत्रातील उरण शहर काँग्रेस अध्यक्ष आदरणीय किरीट जी पाटील आपल्याला अतिथी कक्षात सन्माननीय अतिथी कक्षात आसनस्थ होताना दिसतायत. यस, या ठिकाणी आपण पाहायला गेलं तर क्रिकेटचा विषय काढला मगाशी देखील सांगितलं, तर जर किरीट पाटील आणि बोललं तर आणि क्रिकेट बोललं तर मधुकर स्पोर्ट बोकरुडा या संघाच्या खरं नेतृत्व त्यांनी बऱ्याच वर्षी केलं ते असं किरीट पाटील आमच्या काँग्रेस पक्षाचे